गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी हिंदी की कक्षा है, हिंदी का पाठ 16, अपना काम स्वयं करो। स्वयं का मतलब अपने आप, ठीक है। आज मैं आपको ये छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, पढ़ के। काश मजदूर मिलते तो ये फसल कटवा लेता। ये कौन है इधर चित्र में? किसान और किसान की बीवी। ये बोलता है क्योंकि इसने इसकी फसल उग गई होती है, बड़ी हो गई होती है, अब इसने कटवानी होती है और ये मजदूर को ढूंढता रहता है। हम दोनों खेत के उस तरफ दाना चुगने जा रहे हैं, घबराना मत। एंड इस खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होता है और उसमें उसके दो छोटे छोटे चीजें चूजे होते हैं। दूसरे गांव में भी कोई मजदूर नहीं मिला एंड किसान को कोई मजदूर नहीं मिलता है। वो बहुत ढूंढता है बट किसान को मजदूर नहीं मिलता है। और इधर से जो छोटी चिड़िया होती है उसका घोंसला उधर बना होता है और उसको टेंशन हो जाती है, दुख हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, ये फसल काट रहे हैं तो हमारा घोंसला भी खत्म हो जाएगा। धीरज रखो, कोई जरूर मिलेगा। किसान की बीवी क्या उसे कहती है? आप धीरज रखो, कोई ना कोई हमें जरूर मिल जाएगा। किसान मजदूरों को खोज रहा है, अब हमें जाना पड़ेगा। और चिड़िया उनको कहती है, किसान तो मजदूरों को खोज रहा है, अब तो हमें इधर से छोड़ के जाना पड़ेगा अपना घर। डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। और इन छोटे से चूजों को उनकी माँ चिड़िया कहती है कि आप लोग डरो नहीं, कुछ ना कुछ होगा, घबराना मत, हम जल्द आ रहे हैं। और चिड़िया क्या उनको कहती है? बिल्कुल भी ना घबराओ, हम जल्द आ रहे हैं। आज भी मजदूर नहीं मिला। किसान अपनी बीवी से कहता है, आज भी मजदूर नहीं मिला। एक दिन रुक जाओ। किसान की बीवी उसे कहती है, एक दिन फिर से रुक जाओ। दोनों एक दिन और रुकने की बात कर रहे हैं। और ये आपस में जो चिड़िया होती है वो आपस में बात करते हैं, ये आज दोनों रुकने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम घबराने की कोई बात नहीं है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो अपने छोटे छोटे चूजों से कहती है, डरो नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो फसल बर्बाद हो जाएगी, क्या करें। किसान अपनी बीवी से कहता, फसल तो बर्बाद हो जाएगी, अब हम क्या करें। फिर उनके दिमाग में एक प्लान, एक ख्याल आता है कि अब हम क्या करें, कल हम खुद ही काट लेंगे। और फिर जो हमारा इस चैप्टर का नाम है, अपना काम स्वयं करो, फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि क्यों ना हम खुद ही फसल काट लें। हाँ, अपना कार्य आप ही करना चाहिए। और ये आप लोगों के लिए भी है, जो भी अपना काम होता है घर में, जो कोई काम होता है आपका अपना, वो स्वयं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, ठीक है। कल दोनों खुद फसल काटेंगे। और चिड़िया अपने छोटे छोटे चूजों से कहती है, कल अब किसान और किसान की बीवी फसल खुद काटेंगे। अब सचमुच फसल कट जाएगी, हम कल सवेरे ही उड़ चलेंगे। और वो कहते हैं, अब ये तो फसल अब काट ही लेंगे, अब हमें इधर से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। अब इसके शब्द अर्थ है, मजदूर, कामगार, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लेबरर। धीरज, धैर्य, धैर्य का मतलब क्या हुआ? पेशेंस। बर्बाद, नष्ट, रिन्यूट। गांव, ग्राम, छोटी बस्ती, इंग्लिश में बोलते हैं विलेज। फसल, पैदावार, क्रॉप। सचमुच, वास्तव में, रियली। अब ग पार्ट, चित्र देखकर खाली स्थान में नाम लिखिए। इधर एक खाली स्थान है, इधर चित्र में देखो क्या है। डैश मजदूर खोज रहा है, किसान मजदूर खोज रहा है।
चिड़िया ने खेत में घोंसला बना रखा था। घोंसला, खेत में चिड़िया रहते थे। ठीक है, एंड आज की कक्षा इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।